भगवान जो कहते हैं माम अनुस्मर, कैसे होगा स्मरण? स्मरण तीन प्रकार के होते हैं, बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और क्रियाजन्य स्मरण। टेक्निकल शब्दों को जरा समझते हैं। पहला सबसे है बोधजन्य स्मरण। बोध ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, उससे जो स्मरण होता है वैसा स्मरण है जिसे याद रखना नहीं पड़ता। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर। मैं मनुष्य हूं, ये बोधजन्य स्मरण है। मैं पुरुष हूं, या तो कोई बहना कहेगी मैं स्त्री हूं, ये बोधजन्य स्मरण है। डोंट हैव टू रिमेंबर इट, वो होता ही है। सुबह उठकर मैं याद करना पड़ता है आई एम अ मैन, नहीं, वो आपके बीइंग में है। इसी तरह यदि मैं प्रभु का हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, आई एम एन इंडिस्ट्रक्टिबल सोल, मैं भक्त हूं, इसका बोध होना चाहिए। बोध रियलाइजेशन होना चाहिए। और एक बार वो रियलाइजेशन हो गया, बोध हो गया, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उसको। जब तक बोध नहीं होता है तब तक स्मरण एक प्रोसेस है, स्मरण एक एफर्ट है। बोध हो गया फिर उसके एफर्ट की जरूरत नहीं रहती। उपनिषद में बड़ी सुंदर कहानी है, एक शेर का बालक, छोटा बच्चा शेर का, कब क्या कहते हैं शेर के उसको, कब पता नहीं, कुछ अकस्मात ऐसा हो गया, शेरनी के साथ जा रहा था, बीच में छूट गया पीछे, बाकी के चले गए नहीं, और वो भेड़ियों के बीच में आ गया, शीप के बीच में, उनके साथ बड़ा होने लगा। शेर का कब बालक भेड़ियों के साथ बड़ा होने लगा तो अपने आप को भेड़िया समझने लगा। भेड़िया सब घास खाए तो वो भी घास खाने की कोशिश करता, उसको अच्छा नहीं लगता था घास, लेकिन करे क्या, और कोई चारा भी तो नहीं था कि आसपास वही है, सब भेड़िए ही है, तो उनको देख देख के, बिकॉज कोई भी जो जीव है ना वो इमिटेटिव, नेचर से वो इमिटेटिव, दूसरों का देख के हम करते हैं और वही समझते वही मानते हैं। तो सब लोग ये कर रहे हैं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। सब लोग बड़े मजे से घास खा रहे हैं तो मुझे भी खानी चाहिए भाई। कहीं कोई वो लोमड़ी आ जाए, फॉक्स ऐसे, तो सब भेड़िए भागने लगते, तो ये भी भागने लगता उसके साथ, सब भाग रहे हैं, अरे भागो भागो भागो, लोमड़ी आई, फॉक्स आए, शेर का बच्चा भी भागने लगता है उनके साथ, अब तो वो बड़ा भी हो गया था बिल्कुल, फिर भी भागता है सब भेड़ियों के साथ। और भेड़िए भी ऐसे, ये तो है हमारे वाला, पहले से हमारे साथ में, क्या करेगा, भागने का। एक दिन ऐसा हुआ कि सब भेड़िए जंगल में कहीं जा रहे थे, वहां से एक शेर निकला, दूर से शेर को देखा, शेर की भी दृष्टि पड़ी है भेड़ियों के ऊपर, तो भेड़िए सब भागने लगे, अरे शेर शेर भागो भागो, इनके साथ ये शेर का बच्चा भी भागने लगा, भागो भागो। शेर ने पीछा पकड़ा, देखा कि भेड़ियों के समूह में एक शेर का बच्चा, मेरा बालक है, भाग रहा है मुझसे दूर, भेड़ियों के साथ भाग रहा है। शेर को भेड़ियों में कोई इंटरेस्ट न रहा, उसको केवल वो अपने बच्चे में इंटरेस्ट था, भाग के उसने पकड़ लिया उसको। जैसे ही शेर ने पकड़ा ये बालक, माफ कर दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो,
शेर ने कहा मैंने मारने के लिए तुझे नहीं पकड़ा है, डर मत। अरे कैसे न डरूं, आप तो जंगल के राजा हैं, शेर में तो एक गरीब बेचारा भेड़िया, पुअर शीप, मैं तो डरूंगा ही नहीं। तू भेड़िया नहीं है, तू शेर है। अरे जंगल के राजा क्या मजाक कर रहे हैं आप, मेरे मजाक में, मैं तो भेड़िया, तू शेर है। भेड़ियों के समूह में बड़ा हुआ ये शेर का बच्चा मानने को तैयार नहीं है कि वो शेर है, वो स्वयं को भेड़िया ही समझता है। शेर उसको समझाने की कोई, शेर को एक युक्ति नहीं, सरोवर था वहां पास में, गया दिखाया उसने, देख ये मेरा चेहरा और ये तेरा चेहरा, हम दोनों के चेहरे समान है, यू लुक लाइक मी, यू आर अ लायन। पहली बार वो शेर के बच्चे ने अपना चेहरा देख, क्योंकि अभी तक वो केवल भेड़ियों का मुंह देख देख के समझता था कि मैं भी ऐसा ही, अपना मुंह जब पहली बार देखा उसने थोड़ा सा संशय, लेकिन ये इतना प्रीकंडीशनिंग, नहीं 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 ये कोई एक्सीडेंट होगा ये ऐसा कुछ, मुझे जाने दो ना बस प्लीज, मुझे उनके साथ में चला जाऊं, वो लोग मेरी राह भी देखते होंगे। नहीं, उनके साथ जाना ये तेरा धर्म नहीं, इसमें तेरी शोभा भी नहीं, भेड़ियों के साथ रहे, मेरे साथ रहे। लेकिन आप तो जंगल के राजा, आप तो इतने बड़े शेर, तू भी ऐसा ही है, मानने को तैयार था। शेर को दूसरी एक युक्ति सूझी, एक काम कर, मैं गर्जना करता हूं और ऐसी गर्जना तू भी कर, थोड़ा शांत हो जा, वो भेड़िए जरा सेटल हो जाए ना, उनको पता चले कि ये शेर गए, और देख फिर परिणाम क्या आता है। भेड़िए थोड़े कैरलेस हुए वहां पर, कि तो शेर ये पानी पीने लगे, वो हमारे पीछे नहीं भागते हैं। शेर ने गर्जना की, त्राड़, कहा बच्चे को तू भी कर, और उसने भी जैसे त्राड़ की कि वो भेड़िए से भागे। शेर ने कहा जैसे ही उसने त्राड़ की उसको पता चल गया, अरे मैं तो लायन हूं, क्योंकि मेरी आवाज भी इसके जैसे, मैं दिखता भी हूं, मेरी आवाज भी यही है, और देखो अब ये भेड़िए भागते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने यह कहानी कही है, मेरे प्रिय स्वजन, हम परमात्मा के अंश हैं, संसार में आकर के हम स्वयं को भेड़िया मानने लगे हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे के सामने वो ये कर रहा है तो मुझे भी वो करना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, उसके जैसा करना है, गतानुगतिक जीवन करने लगे, हम भूल गए अपने आप को, ट्रू बीइंग को, प्योर बीइंग को हम भूल गए, सेल्फ को। अरे मैं तो जीवात्मा हूं, कितने पाप किए होंगे तब ये मैं योनि में, मनुष्य योनि में आया हूं, सारे पाप जब भुगतने पूरे हो जाएंगे तब कुछ होगा और ये संसार से छूटेंगे, मैं जीवात्मा, मैं भेड़िए की तरह। और सो कॉल्ड रिलीजियस प्लेटफॉर्म से 90% लोगों ने हमारी ये भेड़िए की बात को मजबूत किया, अरे तुम तो जीव हो, क्षुद्र तंतु, तुम्हारी मान्यता को उसने ठप्पा लगाया, हाँ जीव। जब कोई प्रभावी संत आता है, परमात्मा का प्रतिनिधि आता है, तुम ईश्वर के अंश हो, ये बोध कराना चाहता है, बोध गंगे स्मरण, और ये बोध यदि हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, तब पता चलता है मैं भगवान का हूं, और ये बोध हो गया अहम ब्रह्मास्मि, फिर स्मरण करना नहीं पड़ता, स्मरण अपने आप होता है। It is as natural as I am a man, aham brahmasmi, bodhjanyasmi. दूसरा है संबंध जन्य स्मरण,
जिसके साथ जैसा संबंध हो वो हमें याद रहता है, लेकिन उसके लिए वो भी जब तक वो संबंध रहेगा तब तक वो स्मरण रहता। मैं इसका पुत्र हूं, मैं इनकी पुत्री हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसकी बहन हूं, इसकी पत्नी हूं, इसका पति हूं, इसका पार्टनर हूं, ये संबंध है। अब जब तक वो संबंध रहेगा, समझ लीजिए आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया, अच्छा चलता रहा बिजनेस 2 साल 3 साल, तो याद था, रोज सुबह याद था ये मेरा पार्टनर है, संबंध याद है, स्मरण भी था। कुछ गड़बड़ हुई, पार्टनरशिप टूट गई, पहले 2-4 महीने 6 महीने जरा गड़बड़ लगेगी, लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, वी डोंट इवन रिमेंबर, वो एक बैड पैच ऑफ लाइफ। अब याद नहीं करते मैं पार्टनर हूं, कभी 6-8 महीने में साल भर में किसी ने याद करा दिया, कोई बात निकली तो या वो किया था एक बिजनेस थोड़ा सा, थे पार्टनरशिप। संबंध पूरा हो गया, स्मरण पूरा हो गया। ऐसे मैं शरीर हूं, मैं ये संसार का हूं, ये संबंध जन्य बोध है। जब तक संसार से संबंध है तब तक वो स्मरण रहता है, लेकिन हमारा संबंध जन्य स्मरण जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, मेरा प्रभु से जो संबंध है, मैं भगवान का हूं। ये संबंध यदि हो जाए तो जैसे भी वो संबंध, ब्याह जैसे हुए, ब्याह के हफ्ते भर पहले पहचानते भी नहीं थे, मतलब पुराने समय की बात, और विवाह हो गया तो लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, हफ्ते पर जिसको पहले पहचान दे भी नहीं थी। आप में से किसी का हुआ होगा वो अर्ली 70s या लेट 70s 80s में स्वदेश आगमन, टूंक समय माटे आव्या छे, लीलू पत्तू धरावे छे, 3 हफ्ते का वेकेशन लेके जाते थे ना, 3 हफ्ते में लड़की भी देखनी है, ब्याह भी करना है, और उसको इधर भी ले आना है, कैसे कई लोग हैं। अब बेचारी हफ्ते भर पहले पता भी नहीं था उसको, और वहां से बात आ गई कि अरे अमेरिका से आया है, इंजीनियर है, ग्रीन कार्ड है उसके पास। लेट 70s में तो कितनी बड़ी बात हुआ करती थी इंडिया में से, अब तुम्हारा कोई भाव नहीं पूछता इंडिया में। हाँ, अभी यदि लड़के के लिए इंडिया से कन्या लानी हो तो कितना कठिन पड़ता है, अच्छे परिवार की कन्या लानी हो तो। कहने का आशय कि वो एक हफ्ते में कितना फर्क पड़ जाता है उस कन्या के जीवन में, कि हफ्ते भर जिसको जानती भी नहीं थी, देखा एक मीटिंग हुई, बड़ों ने कह रहे बहुत अच्छा है, मान ले उसके पापा को मैं जानता हूं, उसके चाचा को जानता हूं, लड़का होशियार है, इतना कमाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, अमेरिका अमेरिका हाँ अमेरिका हाँ। चौथे दिन तो बैठ गई पंडाल में, या तो साइन कर दी पेपर करके, 10वें दिन तो उड़ गई, मतलब आ गई यहां पर। सच अ चेंज इन लाइफ। जैसे ही संबंध बना तुरंत, अब वो याद कराना पड़ता है, ये तेरा हस्बैंड है, याद रखें ये तेरा हस्बैंड है। संबंध जन्य स्मरण, और तीसरा है क्रिया जन्य स्मरण।